वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अब केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सियासी हलकों में इसका विरोध भी तेज हो गया है। कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद कांग्रेस समेत 15 पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया है, इस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने इसे अव्यवहारिक और असंगत बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस योजना को जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया है। उन्होंने कहा यह सफल नहीं होगा, जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते समय खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जमकर निशाना साधा। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना न केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इससे देश के संघीय ढांचे पर भी असर पड़ सकता है। उनका तर्क है कि अलग अलग राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भिन्नता है और इन सभी को एक साथ चुनावों के जरिए संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। खड़गे ने जोर देकर कहा यह योजना केवल सरकार द्वारा अपनी नीतियों से जनता का ध्यान हटाने की एक चाल है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगा दिया है कि इस तरह की स्कीम को लागू करने से लोकतंत्र को खतरा हो सकता है और राज्यों के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इसे संसद में उठाएंगे और देशव्यापी स्तर पर इसका विरोध करेंगे। एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। समिति के द्वारा दी गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। समिति ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की। मौजूदा वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है, जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी, जिन्हें संसद द्वारा पारित करने की जरूरत है। तो इस तरह से जहां केंद्र सरकार का ये प्रयास है, केंद्र सरकार के एजेंडे में ये बात है कि वो 2029 तक देश में एक साथ सभी चुनाव कराएं, वहीं विपक्ष को ये बात रास नहीं आ रही और विपक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।